अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी को दी गई झप्पी को पूरे देश ने छोड़ के रख दिया है। इस विषय पर हर तरफ चर्चा हो रही है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन में इस तरह से झप्पी का वाक्या हुआ हो और इसी वजह से लोग इस घटना को भूल नहीं पा रहे, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले तो बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और फिर उसके बाद जाकर गले लग गए। इसको देख करके लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि राहुल गांधी को अचानक ये क्या हो गया। आपको बता दें, सूत्रों की माने तो गले लगने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये सब अचानक नहीं किया, बल्कि वो कई महीनों से ऐसे करने की ताक में थे। बताया जा रहा है कि गले लगने का आइडिया राहुल गांधी को फरवरी में आया था, जब फरवरी में पीएम मोदी ने भाषण दिया था नेहरू और सोनिया गांधी को लेकर के, और तभी से राहुल गांधी के मन में कसक थी कि वो राहुल गांधी को भरी सदन में गले लगाएंगे। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।